देखिए हमारा ये सब्जी बन के रेडी हो चुका है। इतना टेस्ट होता है ना खाने में, देख सकते हैं गाइस। ये देखिए अगर हमारा ये रेसिपी अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब। आज एसकेजी ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हम आज लौकी का भाजी बनाने जा रहे हैं नया तरीका से। आप अगर बना के खा के देखिए कितना अच्छा लगता है ये। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं नया तरीका से, ऐसे आप कभी भी देखे भी नहीं होंगे आप, या आप देखेंगे तो अलग बात है। मेरा तरीका से बना के देखिए एक बार खा के। अब देख सकते हैं हम सबसे पहले लौकी ले लिया थोड़ा सा काट के। लौकी लेने के बाद हम हरा वटाण ले लिया थोड़ा सा, और हम इसमें मसूर का दाल ले लिया थोड़ा सा। मसूर का दाल यूज़ करेंगे हम नया तरीका वाला। इसमें देख सकते हैं हम मसूर का दाल ले चुके हैं, थोड़ा भिगा के रखे थे हम। और देख सकते हैं हम इसके लिए कश्मीरी मिर्च ले लिया, अक्खा कश्मीरी मिर्च हल्का सा अब गर्म पानी में भिगा के रखे थे हम उसको। अब देख सकते हैं हम अभी बनाने जा रहे हैं। आप देखिए ये हमारा पतीला गर्म हो चुका है, तो हम इसमें पतीले में ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल कम ही ऐड करना, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। देख सकते हैं हम इसमें सबसे पहले जो कंदा काट के रखे हमने छोटा सा, इसको डाल देंगे इसमें। इसको थोड़ा पकने देंगे। देखिए हम जो मिर्ची भिगा के रखे थे अक्खा मिर्ची, तो हम इसमें अच्छे से पीस लेंगे ग्राइंडर में डाल के। इसमें हम हल्का सा थोड़ा लहसुन ले लिया, इसमें वो भी ऐड कर लेंगे पीसने के लिए। तो अब देख सकते हैं हम पीसने जा रहे हैं इसको। देखिए हम एक टमाटर ले लिया, टमाटर को हम इसमें पीस लेंगे। साथ में डाल के पीस देंगे हम इसको। देखिए अभी पीस के हो गया हम हमारा ये पेस्ट हो गया। तो अभी देखिए हम इसमें सबसे पहले हम जो दाल रखे थे इसमें डाल देंगे। मसूर का दाल है, दूसरा दाल यूज नहीं किया क्योंकि सीजने में टाइम लगता है, इसके वजह से मसूर का दाल यूज किए। देखिए अभी हमारा जो पेस्ट बनाया हमने वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि पेस्ट को थोड़ा पकाना है हमको। देख सकते हैं हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अभी हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। नमक अपना हिसाब से ऐड करना, एक्चुअली वो इतना मजेदार बनता है ना ये भाजी सब्जी, इतना अच्छा लगता है टेस्टी। अब देख सकते हैं हम इसको अभी इसको ढक के रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे अब इसको थोड़ा टाइम के लिए पकने के लिए। अभी देखिए हमारा ये पक चुका है अच्छा से मसाला, तो हम अभी इसमें जो हम ये लिए ये हरा वटाना, वटाना को हम इसमें ऐड कर लेंगे। और जो हम मेन चीज लौकी वो ऐड कर लेंगे हम इसमें। देख सकते हैं कि हम इसमें ऐड कर चुके हैं लौकी को, तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ा टाइम के लिए रहने देंगे, वो भी पक जाए अच्छा से। धीरे से हम इसको बीच बीच में देखते रहेंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे बीच बीच में। तो नीचे बैठ जाएंगे तो उसके बाद हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पानी ऐड नहीं किया हमने अब तक। इसको फिर बंद कर देते हैं, बिना पानी से हम इसको पकाएंगे, फिर बाद में पानी ऐड करेंगे हल्का सा। देखेगा सब हम इसको फिर से देख लेते हैं क्या हाल है। देख सकते हैं अभी हम इसमें पानी हल्का ऐड कर लेंगे,
पानी ऐड कर लिया हमने, इसको मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये इतना टेस्ट होता है ना खाने के लिए। आप एक बार बनाइए, बना के खा के देखिए, फिर हमको कमेंट करके बताइए कैसा लगता है। अब देख सकते हैं हम इसको फिर ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के रख देंगे थोड़ा टाइम के लिए। देखिए गाइस हमारा ये, देखते हैं अभी क्या कितना हुआ, अभी कितना बाकी है। देख सकते हैं हमारा ये लगभग बन के रेडी हो चुका है। इतना टेस्ट होता है ना, एक बार बना के आप खा के देखिए। और हम इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे, अभी हल्का सा हरा धनिया ऐड कर रहे हैं। देखिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और थोड़ा टाइम के अंदर हो जाएगा हमारा भाजी सब्जी कुछ भी बोले, सब्जी बोल सकते हैं आप इसको। देखिए गाइस हमारा ये सब्जी बन के रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं इतना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए हमारा ये सब्जी बन के रेडी हो चुका है। इतना टेस्ट होता है ना खाने में, देख सकते हैं गाइस। ये देखिए, अगर हमारा ये रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कैसा लगा तो कमेंट कर सकते हैं आप। अगर हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।